हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन, फिटनेस मॉडल। आप एक टॉपिक चाहते थे, उस पर कि डिटेल वीडियो बनाऊं, किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, कहां से स्पॉन्सर्स मिलेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसकी। सो, जब फिटनेस की बात आती है तो क्लाइंट के लिए जो फिटनेस होती है वो उनकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन एक ट्रेनर के लिए जो लोग प्रोफेशनल इसको देखते हैं, प्रोफेशनल देखते हैं, उनके लिए फिटनेस मतलब वहाँ से आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, तभी तो मज़ा आएगा ना। सो, फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं, जिम ट्रेनर, उनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फिटनेस मॉडल की। सबसे पहले फिटनेस मॉडल की बात करेंगे तो फिटनेस आएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि हाइट मैटर करती है, लुक्स आपके अच्छे होना चाहिए। क्या सीरियसली आपको लगता है कि फिटनेस मॉडल्स में हाइट और लुक्स का कोई रोल है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे फेयर होंगे तो या फिटनेस मॉडल मिल सकते हैं, या फिर आपकी हाइट शुड बी 6'5", 9'5", 11", ऐसा कुछ नहीं है। हाइट एंड लुक्स फिटनेस मॉडल में इतना मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई ग्लैमर वाला कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ पर आप फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिटनेस मॉडल मतलब फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपकी हाइट अगर कम भी है, आपका जो कलर है वो ज़्यादा फेयर नहीं भी है, तो भी आप एक अच्छे लेवल के फिटनेस मॉडल बन सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। आप समझ रहे हो ना, फिटनेस मॉडल एक डिफरेंट चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट चीज़ है। जब फिटनेस मॉडल की बात करेंगे तो बात होगी एथलेटिक बॉडी की, लीन शार्प टोन बॉडी की। यहाँ पर बल्क बॉडी, जॉइंट, ह्यूज बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ जो बॉडी होती है, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, वैसी बॉडी नहीं चाहिए होती है। सो, अगर आप एक फिटनेस मॉडल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक लीन शार्प टोन बॉडी चाहिए, बल्कअप या हैवी बॉडी नहीं चाहिए आपको। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और फिटनेस मॉडल में आना चाहते हैं, सबसे पहले आप कट करिए अपनी बॉडी का जो फैट परसेंटेज है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आओ। देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सर कितना लीन करें, लीन मतलब नहीं है, आप उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आओ। दैट्स मीन्स कि आप बहुत श्रेड दिखोगे, आपकी बॉडी बहुत डिफाइन दिखेगी। और आज की डेट में जितने भी ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं या फिर हायर करते हैं फिटनेस मॉडल्स को, वो ऐसे ही होते हैं जो सिंगल डिजिट में हो। दूसरी चीज़, सिंगल डिजिट मतलब फैट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ वो बिल्कुल श्रेडेड दिखें। और यही करियर है फिटनेस मॉडल का, और यही स्कोप है। अगर आप श्रेडेड हो तो ही इसमें आप सर्वाइव कर पाओगे। बॉडी बिल्डिंग जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो फिटनेस मॉडल्स में इतना कोई रोल नहीं है उनका। इक्का दुक्का कोई स्पॉन्सर सप्लीमेंट कर देता है, लेकिन अगर आप करियर ही देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत ही श्रेडेड लीन टोन बॉडी चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, आपने बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे फिटनेस मॉडल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको देखा होगा आपने, आपने देख लिया कि हाँ मेरी बॉडी इस लायक बन गई है, अपने फ़ोटोशूट्स करवाएं। देखिए, फ़ोटोशूट्स करवाएं और उसको तीन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर भी पोस्ट करें। मेजॉरिटी के अंदर जो स्पॉन्सर्स आते हैं वो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आते हैं। सो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक तो बंद हो गया, सो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी जो पोस्ट हैं, अपनी जो फोटोग्राफ हैं उसको पोस्ट करते रहें। हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में फ़ोटोशूट्स कराते रहें, क्योंकि देखिए एक बात समझिए कि आप थ्रू आउट द 12 महीने एक जैसे नहीं रहते। एक फिटनेस मॉडल की मैं आपको एक बहुत रियलिटी बता दूँ कि वो बहुत टाइम तक श्रेडेड नहीं रहते। सो जब भी आपका एक पीक टाइम आता है, जब आप 8, 9 या 7 फैट परसेंटेज पर आते हो, ये सिंगल डिजिट नंबर पे आते हो, अपना फोटोशूट करवाएं, बहुत सारे फोटो क्लिक करके रखें और पोस्ट करते रहें, आपको 100% वहाँ से स्पॉन्सर मिलेंगे। दूसरी चीज़, पहले तो फिर भी कॉम्पिटिशन्स फिटनेस मॉडल्स के हुआ नहीं करते थे, अब तो इंडिया में बहुत फिटनेस मॉडल कॉम्पिटिशन होने लगे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। दो चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो लोग जीतते हैं उनको स्पॉन्सर मिलते हैं। गलतफहमी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ फिटनेस जो मॉडल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें परफॉर्म करना है, वहाँ पर जाके स्टेज पर खड़े होना है,
पोज करना है जो फिटनेस मॉडल के जो कंपलसरी पोजेस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड स्पॉन्सर्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जीते उसी को स्पॉन्सर मिले, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको कंपनियाँ देखती हैं, उनको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से ये बंदा परफेक्ट है, तो वो आपको वहीं हायर कर देते हैं। तो जीतना इट्स नॉट लाइक कि आप फिटनेस मॉडल तभी बनेंगे जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेज पर चढ़े, आपको फिटनेस मॉडल का टैग लगा और तीन चार स्टेज आप परफॉर्म करोगे, यानी कि तीन चार कॉम्पिटिशन आप फेस करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर मिल जाएगा अगर आप डिजर्विंग हो। डिजर्विंग मतलब आपका जो फिटनेस लेवल है वो उस लायक है। स्पॉन्सर्स हैं आपको ऑफ स्टेज मिलेंगे, ऑन स्टेज भी मिलेंगे। ऑफ स्टेज मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको जो मैसेज आएंगे, या फिर आप स्टेज पे ऑन स्टेज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर भी स्पॉन्सर्स रहते हैं, ब्रांड्स के, सप्लीमेंट्स के, टी शर्ट्स के, बहुत सारे। सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, अब तो बहुत से लोग फिटनेस मॉडल को अपने अपने अलग ब्रांड्स के लिए हायर करते हैं, शूज़ हैं, टी शर्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं एंड शूट्स हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप फिटनेस मॉडल हो। मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा शेड था, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, जब किसी ने देखी वो पोस्ट तो उन्होंने उनको मैसेज करा, लेकिन तब तक वो बल्कअप कर चुका था, सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप फिटनेस मॉडल बनना चाहते हो तो थ्रू आउट 12 महीने अपना फैट परसेंटेज कंट्रोल करके रखो। आपको कभी भी कोई भी कंपनी स्पॉन्सर के लिए बोल सकती, अप्रोच कर सकती है। सो अपना फिटनेस मॉडल का जो काम है ना, वो बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है भी, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स की जो लाइफ होती है वो कंपटीशन के अंदर जब रहते हैं तभी इतना कट पे आते हैं, अदरवाइज वो जब कंपटीशन ऑफ सीजन में रहते हैं तो बल्कअप कर लेते हैं, बॉडी को इतना उनको वो रहता नहीं है। लेकिन फिटनेस मॉडल का फंडा अलग है, वहाँ पर आप ऑफ सीजन नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऑफ सीजन गए और अगर आपको कोई स्पॉन्सर्स मिलता है तो आप वहाँ पर कर नहीं पाओगे, जैसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। सो वहाँ ध्यान रखो आप कि आपको 12 महीने अपनी बॉडी का जो फैट परसेंटेज है उसे कंट्रोल करना है। तो फिटनेस मॉडल अगर आप बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको बहुत टफ है वो रूटीन फॉलो करना, आपका डाइट मेंटेनेंस होना चाहिए, बिल्कुल वर्कआउट प्रॉपर होना चाहिए, आपका फैट परसेंटेज हमेशा सिंगल डिजिट होना चाहिए, तब जाके तो आप 12 महीने इस चीज़ से आप सोच सकते हो कि मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई ब्रांड स्पॉन्सर मुझे मिल जाएगा। सो मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छा करियर है, आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें पैसा काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास भी दो इस तरीके से स्पॉन्सर्स आए थे करने के लिए। एक स्लिम बेल्ट का था, बट मैंने उसको नहीं करा, क्योंकि जो चीज़ काम ही नहीं करती है तो उसको करके फ़ायदा क्या, सो मैंने वो नहीं करा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, आपको साल भर का स्टैक मिलेगा। कोई कंपनी आपको आप किसी कंपनी को इंडोर्स करते हो, आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हो किसी कंपनी के, एक तो सप्लीमेंट स्टैक मिलेगा आपको, वो आपको खुद प्रमोट करेंगी, आपका काम बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा, साथ ही साथ आपका डेडिकेशन बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़, जितने प्रोडक्ट्स बिकते जाते हैं उसका कमीशन आपको मिलता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जब आप उसमें आओगे तब आपको पता चलेगा। सो अच्छा करियर है, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। फिटनेस पे ध्यान दो, फैट परसेंटेज कम रखो, फोटोशूट है उसे हर 6-7 मंथ्स में कराते रहो, जितना हो सकता है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वही कॉम्पिटिशन में स्पॉन्सर्स की नज़र आप पड़ेगी। और उसके बाद आप जितना हो सकता है डेडिकेटेड रहो थ्रू आउट द 12 मंथ, आपको कट पे रहना है, दैट्स मीन्स कि आपको श्रेडेड रहना है, क्योंकि कब घंटी बज जाए आपको बुलाने के लिए पता नहीं। भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है पूछ लीजिएगा, मैसेज मिल जाएगा। टेक केयर।